बड़े नारे लगा लिए कि दूध मांगोगे खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। मैं बताऊं, अब वक्त आ गया है कि हम तुमसे, कान खोल के सुन लो, कान खोल के, कि हम तुमसे कश्मीर भी लेंगे और जरूरत पड़ी तो तुम्हें और तुम्हारी मोदी सरकार को चीर भी देंगे इंशाल्लाह। याद रखना मेरे अल्फाज। नाज़रीन, भारत की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर मुआहदे की एक बार फिर से खिलाफ वर्जी करते हुए आज़ाद कश्मीर में शहरी आबादी को निशाना बनाया गया। भारतीय फोर्सेज की जानिब से वादी नीलम, जेहलम और बाग में आबादी पर बिला इश्तियाल फायरिंग की गई और शेलिंग भी की गई। भारतीय फोर्सेज की बर्बरियत में चार अफराद जान से गए जबकि दर्जनों जख्मी भी हुए हैं। भारतीयों के प्रकाश पर्व दिवाली को काले करने की पाकिस्तान सेना की नापाक हरकत खुद उसे ही बड़ा भारी पड़ी है। इसी टॉपिक पे फिजा खान की बोलती भारतीय विनय दुबे जी ने कैसे बंद की है, यही आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसी सिलसिले की कड़ी है। नवाज की बात को भूल गए जो उन्होंने कहा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बरियल नवाज के बाथरूम में कैमरे आपके देश में लगाए जाते हैं और आप बातें करती है बड़ी बड़ी। आपके देश में क्या महिलाओं का सम्मान नहीं सर मानी चाहिए इस बात को लेकर कि एक महिला के बाथरूम में कैमरे लगाए जाते हैं और आपके देश के लोग इमरान पर सवाल नहीं उठाते। दोस्तों, अगर आपने इमरान खान का ये बाथरूम वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगी। वो जिस नेहला की आप बात कर रही ना, उसके वालिद की बड़ी दोस्ती है आपके भारत से। आपकी बातें ढकी छुपी नहीं है। आपके लोग खुलासा कर रहे हैं कि करगिल युद्ध में कैसे भूखे प्यासे आपके सैनिकों को लड़ाया गया और बिना हथियारों के मरने के लिए छोड़ दिया गया। ये हम नहीं कह रहे। खून बहाने की आदत आपको पुरानी है। आपने देखा किस तरह से आप ही के यहाँ के नेता कहते अब हैं कि पुलवामा हमला हमने कराया। दुनिया को ये समझ में आ गया कि पाकिस्तान किस कदर झूठ बोलता है, पाकिस्तान की नीयत क्या है, पाकिस्तान की नीति क्या है और पाकिस्तान क्या चाहता है। मरियम ने कोई गलत बयान नहीं दिया, सही कहा कि इमरान को जरूरत बूट की है। मुझे बताएं, भारत को मरियम और उसके वालिद से इतनी हमदर्दी क्यों है? एक मिनट दुबे जी, भारत को मरियम और उसके वालिद से इतनी हमदर्दी क्यों है? भारत को हमदर्दी नहीं। भारत सत्य के साथ रहता है और आपके यहाँ का ये सिस्टम है कि जो भी सरकार में नहीं रहता तभी सच बोलता है। इमरान अभी सत्ता में बैठे हैं इसलिए सच नहीं बोलेंगे, सत्ता छोड़ देंगे तो उसके बाद सच बोलने लगेंगे। पत्रकारों के लिए दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में पाकिस्तान है। 20 सालों में 140 से ज्यादा हत्या। फ्रीडम नेटवर्क की रिपोर्ट ये बताती है कि पाकिस्तान में हुई है पत्रकारों की। मुझे तो आपके लिए भी चिंता होती है, आप जिस तरीके की पत्रकारिता करती है, संभव है कि कहीं पाकिस्तान में आपको ही निशाना न बना लिया जाए। इसलिए सुरक्षित रहिए क्योंकि आपका देश बहुत ही दहशतगर्दों का देश हो चुका है। सेना के कॉकस से चलता है शासन। कल दिवाली के मौके पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चीन और पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया है। पूरा विश्व विस्तारवादी ताकतों से परेशान है। विस्तारवाद एक तरह से मानसिक विकृति है और 18वीं शताब्दी की सोच को दर्शाता है। इस सोच के खिलाफ भी भारत प्रखर आवाज बन रहा है, शक्ति से बढ़ा है। आज भारत आतंकियों को, आतंक के आकाओं को घर में घुस करके मारता। आज दुनिया ये जान रही है, समझ रही है कि ये देश अपने हित से किसी भी कीमत पर रत्ती भर भी समझौता करने वाला नहीं। भारत का ये रुतबा, ये कद आपकी शक्ति और आपके पराक्रम के कारण है। LOC गर्म है। 15 आदमी जख्मी हुए हैं, 5 शहीद हुए हैं, मकानों में आग लगी हुई है और पूरा बॉर्डर गर्म है।
हिंदुस्तान पाकिस्तान को कहीं ना कहीं इंगेज रखना चाहता है और हमारी एनर्जीज फोकस वो नेगेटिव एलिमेंट्स और फोर्सेस में इंडल्ज करना चाहता है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान की अफवाज जिस तरह की भी दरअंदाजी करें, जिस तरह बैन अल-अक़वामी मुआहिदों की खिलाफ वर्जी करके नहत्ते कश्मीरियों पे यलगार करें, हमारी पाकिस्तान की अफवाज चुकन्नी हैं, चौकस हैं और अर्ज़े पाकिस्तान के चप्पे चप्पे का दिफा करना जानती हैं। हम इंशाल्लाह हिंदुस्तान को उसी के अल्फाज में और उसी के अमल के मुताबिक जवाब भी देंगे। निशाना बनाया है भारत ने, हल्के और भारी हथियारों के साथ गोलाबारी की गई है, एक जवान शहीद हुआ है, चार शहरियों के बारे में इत्तला सामने आ रही है, ये क्या है हारून साहब? एक तरफ हमारा मुल्क मुस्तहकम नहीं हो रहा, सियासत में एक अजीब हलचल है, मुल्क की सियासी पार्टियां अजीब बयानियों के साथ चल रही हैं, ऐसे में भारत की तरफ से इस किस्म की कार्रवाइयां कितनी नुकसानदेह हैं? उनका तो एक लॉन्ग टर्म टारगेट है कि बलूचिस्तान को अलग किया जाए, पाकिस्तान की बाल्कनाइजेशन की जाए, तीन हिस्सों में इसको तकसीम किया जाए, ये हो सके तो चार हिस्सों में तकसीम किया जाए, सिंध को अलग किया जाए, पूना से लेकर बम्बई तक, ये 70s की बात है कि पूना से लेकर 80s में पूना से बम्बई तक टेररिस्ट जो हैं उनको तरबियत दी गई MQM के अल्ताफ हुसैन के जो लोग थे, फिर दादू की पहाड़ियों में उन्होंने GSN के लोगों को ट्रेनिंग दी। तो ये कोई अजीब बात नहीं है, ताज़ा डेवलपमेंट ये है जो सब लोग वाकफ ही हैं और दो महाज खुल गए हैं। अब वो चीन का तो कुछ बिगाड़ नहीं सकते अमरीकी ताइद के बावजूद। हमारा हाल ये है कि हम पहले बात कर रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान की और फिर उसके बाद बात कर रहे हैं लाइन ऑफ कंट्रोल की। 15 शहरी हमारे जो जख्मी हुए हैं, 5 शहीद हुए हैं, ये इतना बड़ा वाकया है, अमेरिका का वो हलीफ है, बाहर से दबाव उस पर आएगा नहीं, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान आर्मी इसकी पूरी सलाहियत रखती है मजामत करने की। सिविल आबादियों को बहुत नुकसान पहुँच रहा है, 20-25 बरस पहले यही सूरत हाल थी कि नीलम वैली में आप ट्रेवल नहीं कर सकते थे, अभी भी लगता है। हम गए एक दफा, बारहवीं का एक वफद गया तो हमसे ये कहा गया कि भाई आप एहतियात के साथ ट्रेवल करें, और एक मौके पर हमें छुपने के लिए कहा गया जहां वो हाइट पर थे और वहां से उन्होंने अंदेशा जाहिर किया कि वो गोलाबारी कर सकते हैं और अखबारनवीस भी निशाना बन सकते हैं। भारतीयों के प्रकाश पर्व दिवाली को काले करने की पाकिस्तान सेना की नापाक हरकत खुद उसे ही बड़ा भारी पड़ी है। जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर सीज फायर उल्लंघन करके गोलीबारी करने वाली पाकिस्तान सेना को 11 जवान से हाथ धोना पड़ा। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में हमने आपको बताया था कि अगर आपने इमरान खान का ये बाथरूम वाला वीडियो नहीं देखा है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगी। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से आप ये वीडियो देख सकते हो और वीडियो के लास्ट में भी आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।